देश ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया है, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि देश में 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर देशवासियों को शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा, यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल प्रयास की वजह से ही संभव हो पाया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी बधाई पात्र हैं। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाने में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स तथा वैज्ञानिक, जिन्होंने सही समय पर वैक्सीन बनाकर जनता को मुहैया कराया और कोविड से जनता को बचाया, वह सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यह विरोधियों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जिन्होंने कहा था कि देश 100 करोड़ वैक्सीन नहीं लगा पाएगा, उन्होंने कहा कि सोच ईमानदार तो काम दमदार, यही है भाजपा सरकार की पहचान। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया है, जिसके लिए देशवासियों व स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देता हूं, जो कि 16 जनवरी से लगातार टीकाकरण में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को छोड़कर बाकी दिन लगातार टीकाकरण जनपद में किया गया तथा एक दिन में 90,000 का वैक्सीनेशन भी जनपद में किया गया। सीएमओ ने कहा कि अब तक जनपद में 30 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे और सदर सांसद रवि किशन ने कहा, 100 करोड़ देश ने वैक्सीनेशन पूरा किया है और 110 साल की महिला ने वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा डोज कोविड टीकाकरण का लगाया जा चुका है, जिसके लिए मैं अपने देशवासियों को बधाई देता हूं और साथ साथ मैं अपने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देता हूं जो 26 जनवरी से लगातार टीकाकरण में लगे हुए हैं। सिर्फ संडे छोड़कर के बाकी सभी छुट्टियों में भी टीकाकरण होगा, लगातार हो रहा है। कभी कभी तो हम अपने जनपद में 90,000 से ज़्यादा का एक दिन में टीकाकरण कराया है, तो इस तरह से हम खुद ही अपने ज़िले में 30 लाख से ज़्यादा का टीकाकरण करा चुके हैं, तो मैं अपने देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ 111 साल की बुज़ुर्ग महिला जो मुझे काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रही थी, आई हुई थी वैक्सीनेशन सेंटर पर और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन लगाया, जिससे उनको खुद ही हर्ष था वैक्सीनेशन लगवाने के लिए और हमारे स्टाफ भी बहुत खुश हो गए कि ऐसे लोग आगे आकर के वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो हमें अपील है कि जब 110 साल की हमारी माँ स्वरूप महिला आकर के टीकाकरण करा रही हैं तो क्यों बाकी क्यों लोग छूट रहे हैं। अभी हमारे जनपद में 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे छूटे हुए हैं जिन्होंने अभी एक भी डोज नहीं लगाया है, तो हमें सबसे अपील है कि सभी लोग हमारे सेंटरों पर आएँ। वैक्सीन बिल्कुल ही फ्री मिल रही है, फ्री में लगाया जा रहा है, बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है। अभी कोरोना गया नहीं है, इस वजह से कोरोना की वैक्सीन लगाना सबको ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो सभी लोग आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएँ, जिससे हम अपने ज़िले को कोरोना फ्री घोषित कर सकें। बड़ी उपलब्धि हुई है कि समस्त भारत को मैं शुभकामनाएं दूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से, हेल्थ डिपार्टमेंट को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों, जिन लोगों ने कोविशील्ड और को वैक्सीन बनाया, कि 100 करोड़ लोगों ने आज कोरोना के वैक्सीन लगा ली है। 135 करोड़ की आबादी में जहां विरोधी कह रहे थे कि पूरा देश मर जाएगा, पूरा देश को कैसे लगा पाएंगे, ये तो बाहर बांटे हैं सब वैक्सीन, मोदी जी कैसे करेंगे, और मोदी जी कहा था दिसंबर तो पूरे देश को लगेगा, ये तो अक्टूबर का एंड है, अक्टूबर महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर अभी सवा दो महीने बाकी हैं, उसमें 100 करोड़ लोग को लग गया, तो ये सोच ईमानदार तो काम दमदार। हमारे प्रधानमंत्री जी निस्वार्थ त्यागी हैं, उनकी सोच राष्ट्र के लिए, आज 100 करोड़ के लिए मैं समस्त देशवासियों को आप लोगों के माध्यम से बधाई देता हूँ।